हेलो एंड वेलकम टू लर्न इंग्लिश विद रोशन यादव। ये हमारे सेंटेंसेस सीरीज का लास्ट वीडियो है। दिस विल बी द एंड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, जो है वो आपका एंड होगा सेंटेंसेस सीरीज का। तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस क्या होता है? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस का सिंपली मीन होता है आपका सेंटेंसेस को चेंज करना, स्ट्रक्चर फॉर्म ऑफ सेंटेंस को एक इंटू अनदर ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर। तो आप ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर में अगर चेंज करते हो, ट्रांसफॉर्मेशन करते हो, ट्रांसफॉर्मेशन मतलब मान के चलो सिंपल सेंटेंस है तो आप उसको इंट्रोगेटिव बनाते हो क्वेश्चन लगा करके, नेगेटिव है तो सिंपल बनाते हो, एक्सक्लेमेटरी सडन फीलिंग को बताते हो एक सेंटेंस में बताते हो, सो दिस इज कॉल्ड अ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस। तो एंड रहेगा हमारा सेंटेंसेस सीरीज का, क्योंकि आपने पहले, मैंने आपको बताया सबसे पहले व्हाट इज सेंटेंस, टाइप्स ऑफ सेंटेंस, फिर हमने देखा कि इसके स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन क्या है, सिंपल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, देन वी सॉ सिंथेसिस और एनालिसिस देखा हमने सारे टाइप के, फिर हमने लास्ट वीडियो में मैं आपको बताया सिंथेसिस ऑफ सेंटेंस, कंबाइन करना सेंटेंसेस को, जोड़ना। तो उसके बाद आता है अब उनको ट्रांसफॉर्म करना एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। तो इस वीडियो में मैं आपको समझाने वाला हूँ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और आगे चलते हुए हम समझते हैं क्या होता है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। सो आपको लग रहा होगा क्या करना है इसमें, करना क्या है, व्हाट वी हैव टू डू। तो यू हैव टू जस्ट ट्रांसफॉर्म द सेंटेंस विदाउट चेंजिंग इट्स मीनिंग। एग्जांपल के लिए व्हाट एन एक्सीलेंट अपॉर्चुनिटी, अब इसको हम एसर्टेटिव में क्या कहेंगे, एक अचानक से फीलिंग आई व्हाट एन एक्सीलेंट और व्हाट एन एक्सीलेंट अपॉर्चुनिटी, सो इसको क्या बोलेंगे, इट इज रियली एक्सीलेंट अपॉर्चुनिटी, इट इज रियली एन एक्सीलेंट अपॉर्चुनिटी। सो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस इज ऑल अबाउट चेंजिंग इट्स फॉर्म, सो वी हैव टू चेंज इट्स फॉर्म। हम उसका फॉर्म चेंज करते हैं विदाउट ऑल्टरिंग इट्स मीनिंग, उसके मीनिंग में चेंज ना करते हुए हम उसका फॉर्म चेंज करते हैं। वी कैन से फॉर एग्जाम्पल ट्रांसफॉर्म एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेज इन टू एन एसर्टेटिव सेंटेंस और वाइस वर्सा। तो आप चेंज करते हो, है ना, एक एक्सक्लेमेटरी को एसर्टेटिव में। वी कैन ऑल्सो ट्रांसफॉर्म सिंपल सेंटेंसेज इंटू कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड सेंटेंसेज, तो हम सिंपल और सिंपल को कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस में भी ट्रांसफॉर्म करते हैं। सो यू कैन सी हाउ काइंड ऑफ पद्मा टू हेल्प मी इन माई डिफिकल्टी, इट इज इंडीड वेरी काइंड ऑफ पद्मा टू हेल्प मी इन माई डिफिकल्टी। तो ये आपने देखा एक टाइप का एग्जाम्पल है हमारा, कैसे हमने एक्सक्लेमेटरी, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस मतलब सडन फीलिंग, और सडन फीलिंग को जब आप एसर्टेटिव में कन्वर्ट करते हो सो ये होता है आपका। सो अब हम समझते हैं कि क्या क्या चीजें इसमें आप करते हो, आपको क्लियर हो रहा होगा। जैसे हाउ ब्लू हर आईज आर, उसकी आंख कितने ब्लू हैं, तो ये हर आईज आर वेरी ब्लू, तो ये आपका सेंटेंसेस का ट्रांसफॉर्मेशन है। सो यू हैव टू ट्रांसफॉर्म लाइक इट इज एन एक्सट्रीमली हैप्पी रूटीन, तो ये क्या है, व्हाट अ हैप्पी रियूनियन को हमने कर दिया, व्हाट अ पिटी दैट शी हैज लॉस्ट हर हस्बैंड, है ना, ये आपका एक्सक्लेमेटरी है, इट इज पिटी दैट शी हैज लॉस्ट हर हस्बैंड। तो ये आपका ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। नाउ लेट्स मूव टू इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, मतलब इंट्रोगेटिव मतलब आपके क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस को आपको सिंपल सेंटेंसेस में करना है, बहुत ईजी वन है ये, सबसे ईजी है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं आपको पहले समझना होगा, इंट्रोगेटिव मतलब क्वेश्चंस पूछ रहे होंगे, क्वेश्चन मार्क, ठीक है, तो क्वेश्चन पूछ रहे होंगे तो ये कौन सा होगा, इंट्रोगेटिव होगा। अब उसको आपको एसर्टेटिव में करना है, एसर्टेटिव सेंटेंसेस बनाने हैं। सो एसर्टेटिव सेंटेंसेस बनाने हैं तो इज नॉट एजुकेशन मोर इम्पॉर्टेंट देन मनी, क्या एजुकेशन इम्पॉर्टेंट ज़्यादा है मनी से, सो एजुकेशन इज डेफिनेटली मोर इम्पॉर्टेंट देन मनी। तो यहाँ पे सिंपली इसका हमने मीनिंग चेंज नहीं करा, क्वेश्चन पूछा कि क्या पैसे से ज़्यादा पढ़ाई ज़रूरी है, हमने बता दिया कि पढ़ाई ज़्यादा ज़रूरी है पैसों से, तो यहाँ पे आपने आंसर टाइप कर दिया, तो इसको एसर्टेटिव इंट्रोगेटिव से आपने बना दिया। सो ट्रांसफॉर्मिंग एसर्टेटिव इनटू इंट्रोगेटिव, क्वेश्चन मार्क होता है आपका, ठीक है, स्क्रीन पे आप देख सकते हो, क्वेश्चन मीन्स इंट्रोगेटिव है ये, है ना, ये इंट्रोगेटिव है, इसको ट्रांसफॉर्म कर देना है, अगर क्वेश्चन हमारे मन में आते हैं तो इसको ट्रांसफॉर्म कर देना है हमें एक इसमें असर्टेटिव में, यू कैन ट्रांसफर ईजिली, तो आप कर सकते हो ये सारे। जैसे कि व्हाट डज इट मैटर वेदर शी लव्स और हेट्स मी, क्या मैटर करता है कि वो मेरे से प्यार करती है या नफरत, तो एवरी इट डजंट नॉट मैटर, ये क्या हो जाएगा, इट डज नॉट मैटर शी लव्स और हेट्स मी, ठीक है। तो यहाँ पे और भी टाइप के सेंटेंसेस है, व्हाट थो यू डिडंट गेट अ जॉब इन कंपनी, क्या हुआ अगर तुम्हें जॉब नहीं मिली, सो
इट इज दैट इज नॉट वे, और यहाँ पे आप देख सकते हो इट मैटर्स वेरी लिटल वेदर यू गेट अ जॉब इन द कंपनी और नॉट, ये बहुत कम मैटर करता है कि आपको जॉब मिला या नहीं मिला. कैन वी अचीव एनी थिंग विदाउट हार्ड वर्क, क्या हमें बिना हार्ड वर्क के कुछ मिल सकता है. वी कैन अचीव नथिंग विदाउट हार्ड वर्क, तो बिना कठिन परिश्रम के आपको कुछ नहीं मिल सकता. ये वीडियो बन रही है बहुत हार्ड वर्क से बन रही है, लाइक कर देना क्योंकि आपको विदाउट हार्ड वर्क कुछ नहीं मिल सकता. तो एक क्वेश्चन में था, इंट्रोगेटिव में था कि इंट्रोगेटिव में क्या बोला कि क्या हमें कुछ विदाउट हार्ड वर्क मिल सकता है, नहीं. सो एवरी थिंग यू गेट बाय हार्ड वर्क, क्लियर है. सो नाउ लेट्स मूव टू अनदर सेंटेंस, एंड यहाँ पे आपको समझ आ गया होगा कि कैसे आप इजिली कर सकते हो चेंज. तो ये सारे आप क्वेश्चंस करोगे, आपको एक्सरसाइज आगे मिलेगा करने के लिए. कौन कौन से एक्सरसाइज होंगे हम सारे वो करेंगे. सो हैव यू एवर फोटोग्राफ, क्या तुमने कभी फोटोग्राफ किया. आई हैव नेवर, और आई हैव नेवर बीन फोटोग्राफ. तो एक क्वेश्चन का आंसर करके आपने इंट्रोगेटिव को सिंपल और असर्टिव सेंटेंस में कन्वर्ट कर दिया. तो इम्पेरेटिव को इंट्रोगेटिव में कैसे ट्रांसफॉर्म करते हैं. सो इम्पेरेटिव मतलब सिंपल टाइप का सेंटेंस है, उसको क्वेश्चन बनाना है. आपको बहुत इजीली आप ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस कर सकते हो. जैसे कि स्टॉप और इम्पेरेटिव टाइप के सेंटेंसेस क्या होते हैं. अरे चुप हो जाओ. इम्पेरेटिव टाइप के सेंटेंसेस क्या होते हैं आपके. इम्पेरेटिव मतलब होता है रिक्वेस्ट करना, कमांड करना और किसी को सजेशन देना. तो आप रिक्वेस्ट कमांड सजेशंस को क्वेश्चन में कैसे कन्वर्ट करोगे. तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस में आपको ये क्वेश्चन को एक ट्रांसफॉर्म करना है, कंप्लीट आपका इंट्रोगेटिव बनाना है, क्वेश्चन वाला आपको बनाना है. ठीक है, क्लियर. तो आप इंपेरेटिव समझ लो और इंट्रोगेटिव होता क्या है. तो इंपेरेटिव सेंटेंसेस आर सेंटेंसेस दैट गिव कमांड ऑर्डर्स और मेक रिक्वेस्ट. तो इंपेरेटिव में आप कमांड ऑर्डर देते हो, क्वेश्चन वाले में क्या करते हो आप इसमें कैसे चेंज लाओगे आप. तो इंट्रोगेटिव में आपको दिखेगा कि आस्क करते हो आप, एक क्वेश्चन पूछते हो. तो क्वेश्चन पूछते हो तो वो इंट्रोगेटिव टाइप का आपका सेंटेंस हो जाएगा. तो इसके फंक्शन क्या है, ये एक रिक्वेस्ट और सजेशन देता है. इसमें इंट्रोगेटिव में आप क्वेश्चन पूछते हो. सब्जेक्ट इज ऑलवेज द सेकंड पर्सन और प्रोनाउन यू. तो हमेशा सेकंड पर्सन होता है आपका सब्जेक्ट इसमें इंपेरेटिव में. और इसमें आपका क्या होता है इंट्रोगेटिव में, आपका कैन हैव डिफरेंट सब्जेक्ट, बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं. एग्जाम्पल पोस्ट द लेटर, विल यू पोस्ट द लेटर. ठीक है, ये आपका क्या था इम्पेरेटिव था कि पोस्ट द लेटर. इंट्रोगेटिव में क्या हो जाएगा कि क्या तुम पोस्ट कर दोगे लेटर. बहुत ईजी सिंपल है, जस्ट आपको ट्रांसफॉर्म करना है, इंट्रोगेटिव बनाना उसको सेंटेंसेस को. वेट फॉर मी, कैन यू वेट फॉर मी, क्या तुम मेरे लिए इंतजार कर सकते हो. बहुत ईजी सा था ये ट्रांसफॉर्मेशन, एंड है ये जिसमें कि आपको एक किसी फॉर्म में, मान के चलो इंपेरेटिव मतलब कोई सजेशन दे रहा है, उस फॉर्म में, उस फॉर्म को आपको इंट्रोगेटिव में करना है, मतलब क्वेश्चन वाले में पूछना है. तो प्लीज़ हेल्प मी, कैन यू हेल्प मी, ये सारे एग्जांपल्स आप देख सकते हो. आई कैन स्पीक टू मैनेजर, कैन आई स्पीक टू द मैनेजर. ये आपने इंपेरेटिव को रिक्वेस्ट की, फिर उसको आपने क्वेश्चन इंट्रोगेटिव में बना दिया. जैसे कि हमें ट्रांसफॉर्म करना है इंपेरेटिव को एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस में. क्लियरली आप यहाँ पे कर सकते हो. सो नाउ अब हम देखेंगे आपका सारी चीज़ें क्या होता है. नेगेटिव अफर्मेटिव विदाउट चेंजिंग द मीनिंग. तो नेगेटिव से अफर्मेटिव में उसका चेंज करते हुए, बिना मीनिंग को उसके चेंज करते हुए हम देखेंगे कैसे आप नेगेटिव को आप ट्रांसफॉर्म करोगे अफर्मेटिव में. अफर्मेटिव मतलब सिंपल सेंटेंसेस, क्योंकि नेगेटिव में क्या होता है आपका वो नॉट लगा रहता है, उसको अफर्मेटिव में आपको ट्रांसफॉर्म करना है. सो नेगेटिव सेंटेंसेस इंटू अ अफर्मेटिव सेंटेंसेस. तो एक नेगेटिव सेंटेंस कैसे अफर्मेटिव सेंटेंस में ट्रांसफॉर्म होगा. तो नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे हैं, जैसे कि ही इज़ अनएजुकेटेड, मतलब वो एजुकेटेड नहीं है. सो ही इज़ एजुकेटेड, अफर्मेटिव में क्या हो जाएगा, वो एजुकेटेड है. सो रामाया इज़ नॉट फुलिश एज यू थिंक, रामाया वो उतना फुलिश नहीं है जैसा तुम सोचते हो. तो रामाया इज़ वाइजर देन यू, मतलब रामाया तुमसे ज़्यादा तेज है. सो यहाँ पे आप देख सकते हो ये, जैसे कि आई एम नॉट अ लिटिल अफ्रेड ऑफ माई फादर, आई एम वेरी मच अफ्रेड ऑफ माई फादर. तो आपने यहाँ पे नेगेटिव को क्या कर दिया, इंफॉर्मेटिव में कन्वर्ट कर दिया. सो इट वॉज सो ईजी दैट आपको विदाउट चेंजिंग इट्स मीनिंग ट्रांसफॉर्म कर देना. जैसे हर डिसीजन इज नॉट विदाउट एनी रीजन, तो उनका डिसीजन बिना किसी रीजन के नहीं होता. तो हर डिसीजन इज रीजनेबल, मतलब हर डिसीजन क्या होता है, उसका डिसीजन रीजनेबल होता है आपका. आई एम नॉट श्योर वेदर शी अग्रीज टू मैरिज, आई एम वेरी डाउटफुल वेदर शी अग्रीज टू मैरिज. ये आपने नेगेटिव सेंटेंसेस को अफर्मेटिव सेंटेंसेस में कन्वर्ट कर देना है. तो अब देखते हैं हम अपना
बिगिनिंग विदाउट सूनर, जो सूनर के साथ और एस सूनर के साथ स्टार्ट होते हैं उनको कैसे ट्रांसफॉर्म करेंगे, और ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ सेंटेंसेस कंटेनिंग टू और टू, टी डबल ओ और टू से जो सेंटेंसेस कंटेन करते हैं उनको कैसे ट्रांसफॉर्म करेंगे। तो देखो, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस बिगिनिंग विथ नो सूनर देन, जो कि नो सूनर देन के साथ स्टार्ट होता है, और दिस कैन बी डन बाय यूजिंग सून एज और हार्डली स्केर्सली। तो जो सेंटेंसेस आपका किससे एंड होता है, विथ सूनर, तो ट्रांसफॉर्मेशन हम उसका करेंगे जो कि सूनर देन से स्टार्ट होता है, बिगनिंग विथ नो सूनर देन। नो सूनर देन से जो सेंटेंस, जैसे नो सूनर देन हैड आई लेफ्ट द कॉलेज देन आई अप्लाइड फॉर जॉब्स, तो एज सून एज आई लेफ्ट द कॉलेज, एज सून एज लगा दिया यहाँ पे, सूनर को एज सून एज में कन्वर्ट करके आपने सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म कर दिया। सो नो सूनर हैड वी रीच द एयरपोर्ट द देन द प्लेन टेक ऑफ, एज सून एज वी रीच द एयरपोर्ट द प्लेन टेक टुक ऑफ, तो प्लेन ने उड़ान भर ली। सो नो सूनर हैड सी बिगेन रीडिंग द नॉवल देन समवन नॉक द एट द डोर, तो जैसे उसने पढ़ाई चालू की सब नॉक डोर किया। एज सून एज शी बिगेन रीडिंग द नॉवल समवन नॉक एट द डोर, हार्डली शी हैड बिगेन रीडिंग द नॉवल वैन समवन नॉक द डोर। अब ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस कंटेनिंग टू और टू, तो जो टू और टू से कंटेन करते हैं उनको ट्रांसफॉर्म करते हैं। सो दिस कैन बी डन बाय यूजिंग सो दैट इन द प्लेस टू और टू, तो सो दैट का आप यूज करो टू और टू से जो एंड होंगे, टू और टू से जो आपका एंड हो रहा है, टू और टू जो है आपका टी डबल ओ मतलब ज़्यादा और टू मतलब कहीं जाना डायरेक्शन के लिए, तो ये जिनसे एंड होगा तो उनमें सो दैट आप लगा करके उसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। एग्जाम्पल, द गर्ल इज टू क्लेवर टू अंडरस्टैंड द बुक, तो गर्ल बहुत क्लेवर है उस बुक को अंडरस्टैंड करना है। सो द गर्ल इज सो क्लेवर दैट सी कैन अंडरस्टैंड द बुक, तो वो बहुत क्लेवर है कि वो अंडरस्टैंड कर पाए बुक को। वी आर टू पुअर टू स्टे इन सच अ होटल, सो वी आर सो पुअर दैट वी कैन नॉट स्टे इन सच अ होटल, तो आपने सो दैट से टू और टू को ट्रांसफॉर्म कर दिया सेंटेंसेस को। अब आपको करनी है एक्सरसाइज, एक्सरसाइज से आपका क्या होगा, आपने जो सीखा उसको आप अप्लाई करोगे, ट्रांसफॉर्म करने हैं, बहुत इजी इजी सेंटेंसेस हैं आपके, वो आपको बस ट्रांसफॉर्म करने हैं, ठीक है, तो आप इजीली उसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। आई शैल नॉट फॉरगेट माधवीज ब्यूटी, तो ये क्या है, आपको इसको ट्रांसफॉर्म करना है इनटू अफर्मेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस हैं आपके, उनको कैसे ट्रांसफॉर्म करना है अफर्मेटिव सेंटेंसेस में, अफर्मेटिव सेंटेंसेस में आपको ट्रांसफॉर्म करना है। आई शैल नॉट फॉरगेट माधवीज ब्यूटी, देयर इज नो स्मोक विदाउट फायर, द टू सिस्टर्स आर नॉट अनलाइक ईच अदर, आई एम नॉट, इन सबको आप नेगेटिव को क्या करना है अफर्मेटिव में कन्वर्ट कर दो इजली। दिस इज नॉट अन इम्पॉर्टेंट मैटर, सो नो है तो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट मैटर, ईजिली आप ट्रांसफॉर्म कर पाओगे बहुत अच्छे से। तो आई होप कि आप इस एक्सरसाइज को जरूर करोगे, डू इट नाउ, एक्सरसाइज और टास्क है आपके लिए, इसको आपको करना ही करना है। ये जितने भी सेंटेंसेज हैं आपके लिए, बहुत सारे मैं एक्सरसाइज लाया हूँ जिनमें कि आप खुद करोगे, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को असर्टिव में बनाओगे, क्योंकि हमने पहली स्लाइड में देखा कि हमने एक एक्सक्लेमेटरी मतलब एक सडन फीलिंग वाले सेंटेंसेस को एक नॉर्मल असर्टिव सेंटेंस में ट्रांसफॉर्म किया, तो आप भी कर सकते हो। जैसे हाउ हॉट इज इट इज टुडे, कि कितनी गर्मी है आज, तो इसको आप कैसे करोगे, यस टुडे इज हॉट डे, क्लियर है, वॉट अ ग्लोरियस मॉर्निंग, ये एक सडन फीलिंग है, क्या ग्लोरियस मॉर्निंग है, आप बोल सकते हो दिस इज ग्लोरियस मॉर्निंग, ये एक ग्लोरियस मॉर्निंग है असर्टेटिव में। तो आप ट्रांसफॉर्म करो इजली, इन एक्सरसाइजेस को करो और बहुत अच्छे से आप लोग कर पाओगे, एंड ये आप करते हो और इसको आप लिखो अपने नोटबुक में, और इसको नोटबुक में लिख करके PDF स्कैन कर करके आप हमें डू इट नाउ, अगर आप इसे करते हो तो शेयर करना ज़रूर, हमें व्हाट्सअप कर सकते हो इसको शेयर करके, जिसमें कि आप इस सेंटेंसेस को कर रहे हो, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस है तो उसको आप बना रहे हो एक अच्छे तरीके से, कर रहे हो इन सारे सेंटेंसेस को ट्रांसफॉर्म कर रहे हो, चेंजिंग कर रहे हो टू टू सेंटेंसेस वालों को सो दैट से, तो आप ये कर रहे हो तो इसको आप व्हाट्सअप पे शेयर कर सकते हो और कमेंट आ करके कर सकते हो सेंटेंस की, हाँ भाई मैं बता दूंगा ये तो बहुत ईजी है, तो आप बता दोगे ना बहुत इजी है कि शेम ऑन यू टू चीट एन इनोसेंट गर्ल, तो ये एक आपको सेंटेंस को असर्टेटिव में करना है तो आप कर सकते हो इजीली। तो इन सबको कमेंट करना आप मेरे को जा करके कि कैसे आपने करा है, और जो कर लिए जो आपको इजी लग रहे ट्रांसफॉर्म कर लिए आपने उसको कमेंट करो, व्हाट्सअप कर देना करके। सो थैंक यू सो मच, एंड था ये सेंटेंसेस सीरीज का, सेंटेंसेस सीरीज आपने देखा पूरा, आपके लिए मैं स्टार्टिंग से लेकर के आया हूँ, थैंक यू सो मच।
फॉर वॉचिंग इट टिल लास्ट। अगर आपने इसको लास्ट तक देखा तो आपने बहुत कुछ सीखा है, और सब्सक्राइब कर लो हमारे चैनल को फॉर लर्निंग इंग्लिश, इंग्लिश लर्निंग वीडियोज। इस सीरीज से स्टार्ट किया था हमने, ये आपकी फर्स्ट सीरीज आई थी सेंटेंसेस की, और इस सीरीज को भी खत्म करते हुए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच सीरीज दी आपको जिसमें बेसिक इंग्लिश ग्रामर, अब मैंने सेंटेंसेस इन इंग्लिश की सीरीज दी है जिसमें कि आप समझ पा रहे होंगे सेंटेंसेस कैसे फॉर्म होते हैं, क्या होते हैं, उनके टाइप्स क्या होते हैं। अभी इस वीडियो में आपने देखा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। तो सब्सक्राइब अस प्लीज एंड शेयर विद द फ्रेंड्स, विद योर ऑल फ्रेंड्स। तो इंग्लिश लर्निंग वीडियोज मिलेंगी आपको, CBSE अपडेट्स मिलेंगे क्लास 12th वालों को, ड्यू एडमिशन अपडेट मिलेगा इस चैनल पर, बहुत इंपॉर्टेंट। तो आप इन सब चीज़ों के लिए सब्सक्राइब करके रख लो, शेयर कर दो और भी दोस्तों में जिससे कि बहुत अच्छा रहे उनके लिए भी, लाइक कर दो। एक पे एक लगातार आपको मैंने पहले सिंपल कॉम्प्लेक्स सारे सेंटेंस स्ट्रक्चर बताए, फिर एनालिसिस किया हमने सेंटेंसेस के, फिर आपको लास्ट वीडियो में मैंने सिंथेसिस बताए, फॉर्मेशन, कंबाइनिंग द सेंटेंसेस। थैंक यू सो मच।